एक अमीर घर का बेटा था, पर था एकदम साधारण और साफ सोच का। उम्र थी यही कोई 12 या 13 साल। बचपन से अमीरी ही देखी, मगर दिल फिर भी घमंडी नहीं हुआ, बल्कि दयालु और समझदार हो गया। जब तब मदद करता था लोगों की, जितना उसकी जेब खर्च में हो पाता उतनी मदद करता। वो जब किसी को असहाय देखता तो बस मदद के लिए दौड़ जाता। लेकिन उसके घर वालों को शानू का ये सीधा साधा उच्च जीवन पसंद ना आता। कोशिश करते कि अमीरी में ही रखने की, मगर वो जितनी कोशिश करते उतना ही शानू अमीरी से विमुख होता। सबने उसे ये करने को मना किया तो वो सबके सामने बोला, ठीक है, आज से मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, जाता हूँ तो किसी लाचार को देखता हूँ। तब मन नहीं मानता और अपने कमरे में चला गया। एक दिन उसकी माँ बोली, आज तुम हमारे साथ मंदिर चलोगे, समझे? वो मंदिर तुम्हारे दादाजी ने बनवाया है, आज उनका जन्मदिन है और वहाँ हम सबको कपड़े और मिठाई बांटेंगे, ऐसा तुम्हारे पापा ने कहा है। शानू ने बहुत ना नुकर की, लेकिन माँ ने उसकी बात नहीं मानी, तो उसने भी कह दिया, चलूंगा आपके साथ, लेकिन फिर आप मुझे कुछ भी करने से नहीं रोकेंगे। तो माँ ने कहा, ठीक है, किसी की मदद करने से ना रोकूं, यही ना, लेकिन वो वाकई मदद के काबिल होना चाहिए, बस उसी की मदद करना, किसी की भी ऐवे ही भिखारी की ना करना, अगर मंजूर है तो। शानू खुश होकर बोला, ठीक है माँ, और वो उनके साथ मंदिर आ गया। शानू का मन मंदिर में नहीं लगा, वो मंदिर की सीढ़ियों की मुंडेर पर बैठ गया और इधर उधर देखने लगा। थोड़ी देर बाद माँ पापा आए और उससे बोले, बेटा ये सारा सामान गरीबों में बांट दो। शानू ने सामान उठाया और एक एक कर सबको देने लगा। एक आदमी के पास जाकर वो कुछ पल रुका, पर पापा की आवाज़ सुनकर वो उन्हें कंबल और कपड़े देकर आगे बढ़ गया। उस आदमी ने उसे घूर कर देखा। काम पूरा करने के बाद शानू फिर वहीं बैठ गया, पर उसकी नजर उसी आदमी पर ठहर गई। उसने देखा बहुत से लोग आते उसके पास से गुजर जाते, कुछ लोग तो उसे भिखारी समझकर पैसा भी डाल रहे थे, मगर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बेसुध सा पड़ा था वो। ना किसी से कुछ मांगता, ना किसी से कुछ कहता, बस चुपचाप लोगों को आते जाते देखता रहता। बदन के कपड़े फटे हुए और हालत भी बहुत दयनीय थी। बस एक काम वो बार बार करता, अपने पेट को सहलाता और मंदिर की तरफ हसरत भरी नजर से देखता। शानू बहुत देर तक उसको देखता रहा, उस आदमी की हरकतों का मुआयना कर रहा था। वो आदमी अपने पेट को बार बार मल रहा था। बहुत देर बाद उसे समझ में आया वो भूखा है और कुछ बोलता भी नहीं था। उसके पास फेंके हुए सिक्के कुछ तो दूसरे भिखारी उठा लेते, कुछ यूं ही पड़े थे। शानू का दिया हुआ कंबल और कपड़े जस से तस पड़े थे, उसने उनको छुआ तक नहीं। शानू उसके पास गया और बोला, बाबा आपका पेट खाली है तो आप इन पैसों से खाना लेकर क्यों नहीं खा लेते हो? तो बाबा बोला, बेटा पेट तो खाली है, मगर इतनी हिम्मत नहीं कि उठकर जाऊं और कुछ खरीद के लाऊं, पैसे भी नहीं है मेरे पास, मैं इन फेंके हुए सिक्कों से क्यों खाऊं? खा भी लिया तो पेट थोड़े ही भरेगा, ये तो खाली ही रहेगा, इनसे तो अच्छा इस मंदिर में बनने वाला प्रसाद है जो अमीरों और गरीबों को ही मुफ्त मिलता है। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि कब कोई आए और मुझ बेचारे को प्रसाद ला कर दे, 2 दिन से भूखा हूँ पर प्रसाद के इंतजार में हूँ और कुछ नहीं खाया, फिर कोई तो प्रसाद दे ही देगा, पर सब मुँह मोड़ चले जाते हैं। तो शानू बोला, थोड़े से प्रसाद से आपका पेट नहीं भरेगा और आप तो 2 दिन से भूखे हो, फिर क्या करोगे? वो आदमी बोला, कान्हा जी का एक दाना कई लोगों का पेट भर सकता है, तो मुझे तो इतनी शक्ति दे ही देगा ये प्रसाद कि कोई काम ढूंढने की हिम्मत आ जाए। कुछ दिन पहले मैं काम करता था, फिर एक दिन बीमार पड़ गया, फिर काम नहीं कर पाया और तब से यहीं पड़ा हूँ। शानू ने माथा छूकर देखा, वो अब भी तप रहा था। वो बोला, बाबा मैं आपके लिए प्रसाद लाता हूँ। थोड़ी देर बाद उसके हाथों में 4 दोनों में प्रसाद था और एक थैली में दवा भी थी। मैंने पुजारी जी से बात की है, आपको रोज प्रसाद दिया करेंगे, जब तक आप ठीक नहीं होते आपका उपचार भी करवाएंगे, आप अभी ये खा लो, साथ ये दवा भी, जब भी बुखार लगे ये दवा खा लेना, और हाँ जब आप स्वस्थ हो जाएंगे तो मंदिर में ही पुजारी जी आपको मंदिर की सफाई का या कोई और काम जो आप कर सकें वो दे देंगे। आप ये सब एहसान मत समझना, सोच लेना कि आपकी मदद कान्हा जी ने की है। पुजारी जी आपको आपके काम के बदले में 2 वक्त का खाना और आपको रहने की जगह भी देंगे, फिर आप चाहो तो अपनी काबिलियत के हिसाब से कोई भी काम ढूंढ सकते हो। जानता हूँ बाबा छोटा हूँ और मदद भी छोटी सी ही कर सकता हूँ, पर इंसानियत बहुत बड़ी होती है,
और ये कान्हा जी ने मुझे भी दी है। ये मंदिर मेरे दादाजी ने गरीबों की मदद के लिए बनवाया था। आप शुक्रिया करके मुझे शर्मिंदा मत करना। बस ये छोटी सी मदद ले लीजिए और कभी अगर वक्त आए तो इस मदद का कर्ज किसी और की मदद करके चुका देना। हम कुछ नहीं कर सकते लेकिन छोटी सी मदद तो कर सकते हैं। ऐसा कहकर शानू माँ बाप के साथ वापस